हेलो राधे राधे, आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्राउज़र पैंट बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही सुंदर पैंट बनेगी। अगर आप इस हिसाब से ट्राउज़र पैंट बनाएंगे तो और आसन में भी खिंचाव नहीं पड़ेगा और पैर भी ट्राउज़र वाले ऊपर की साइड नहीं चढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 मीटर वाइट कलर का कपड़ा ले लिया था और 4 फोल्ड इसको कर लिया। खुला पार्ट आगे की साइड, बंद वाला पार्ट मेरी साइड है। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना नाप ले सकती हैं। मेरे इसके अकॉर्डिंग मैंने 9 इंच और 2 इंच इसमें मार्जिन ले लिया है, मतलब 11 सवा 11 इंच ले लिया है। आधा इंच सिलाई में भी आएगा। अब 2 इंच वो मार्जिन का छोड़ के फिर मैं आसन का निशान लगा दूँगी। 13 इंच पे मैंने आसन का निशान लगा दिया है और इधर से भी मैं वो 11 इंच का नाप पे ही निशान लगा दूँगी। और अब मैं ऊपर वाले निशान के साथ इसको मिला दूँगी। अब इसको यहाँ से मैं गोलाई देकर कट करूँगी। और मैं 38 इंच की पेंट तैयार करूँगी और वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। 2 इंच छोड़ने के बाद 38 इंच की पेंट तैयार करूँगी मैं। और यहाँ से मैं 12 इंच की ट्राउज़र पैंट को खुली रखूंगी। और यहाँ से अब आसन वाले जो निशान लगाया था गोलाई पर, और उस 12 इंच को दोनों को मिला दूंगी। तिरछा करके ही मिलाना है दोनों को। और उसके बाद मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर ट्राउज़र पैंट की कटिंग हुई है। और नीचे की साइड से भी ट्राउज़र पैंट को मैं 2 इंच फोल्ड करूँगी। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से मैं अच्छे से गोलाई से कट करूँगी आसन को। ये ऊपर से इतना फोल्ड कर दूंगी 2 इंच और ये नीचे की साइड से भी इतना फोल्ड कर दूंगी। चलिए सबसे पहले आसन में सिलाई लगा लेते हैं दोनों में, और उसके बाद कैसे सिलते हैं वो सब आपको दिखाऊंगी।
ये असल में दो सिलाई मैंने लगा दी थी, अब ऊपर से ये सिलाई लगा दूंगी। लीजिए, ये मैंने आसन में और ट्राउज़र के दोनों साइड सिलाई लगा दी है, अब नीचे से मैं फोल्ड कर दूँगी। ये ट्राउज़र पैंट के दोनों पैरों को मैंने फोल्ड कर लिया था, अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी, वाइट के ऊपर वाइट ही लेस लगाऊंगी मैं। चलिए, लेस को लगाना शुरू करते हैं। ये मैंने दोनों ट्राउज़र के पैरों के ऊपर लेस लगा दी है और अच्छे से मजबूत दो दो सिलाई लगा दी है लेस के ऊपर भी। अब मैं जो ट्राउज़र पैंट में बाकी सिलाई बची हुई है उसको लगा देती हूँ और उसके बाद इलास्टिक डालूँगी नेफे को होल्ड करके। फिर उसके बाद दिखाती हूँ कितनी सुंदर ट्राउज़र पैंट बनकर तैयार होगी। ये नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको ऊपर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करके दो सिलाई मजबूत वाले लगा दूंगी इसके ऊपर, और ये अंदर का जो कपड़ा रखा है वो भी नहीं दिखेगा पैरों की साइड से। आप ऊपर की साइड फोल्ड करके इस कपड़े को सिल सकते हैं। चलिए, अब 2 इंच का नेफा फोल्ड कर देती हूँ मैं और उसके बाद इलास्टिक डालूँगी। इलास्टिक आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग 4-5 इंच छोटा डाल सकती हैं। और बिल्कुल आराम आराम से नेफे को मोड़ना है, बीच में जोर नहीं आने देना है, बिल्कुल सीधा कर करके अच्छे से फोल्ड करना है इसको।
लीजिए, मैंने नक्शे को अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब इसमें मैं प्लास्टिक डालूँगी, और प्लास्टिक डालने की थोड़ी सी जगह मैंने ओपन छोड़ दी है। ये मैंने प्लास्टिक डाल दिया है और उसके ऊपर दोनों को मिलाकर अच्छे से सिलाई लगा दी है। बहुत मजबूत वाली सिलाई लगाई, 8-10 बार मशीन चलाई है। दोनों प्लास्टिक को आपस में जोड़ा था उसके ऊपर। ये देखना, बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगाई है मैंने, मजबूत वाली सिलाई लगाई है। अब जो इलास्टिक डालने के लिए नेफे का जो पार्ट मैंने ओपन छोड़ा था उसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी मैं। और एक सिलाई जहाँ पर इलास्टिक डाला है उसके बीचों बीच लगा दूंगी मैं, और ताकि इस ट्राउज़र पैंट में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। रबर डालते हैं वहाँ पर, और एक हाथ से मैं पीछे की साइड धीरे धीरे खिसकाती जाऊंगी और मशीन भी चलाती जाऊंगी, और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए, हमारी ट्राउज़र पैंट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर ट्राउज़र पैंट बनकर तैयार हुई है, और आप भी बना सकती हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना भी सिखा दिया है, प्लास्टिक डालना भी सिखा दिया है, और लेस भी आप अच्छे से फिनिशिंग से लगा सकते हैं। आप भी ट्राउज़र पैंट बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नई आइडिया, नया कोई कुर्ती डिज़ाइन के साथ, या नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।